बोला तो इतनी हैरानी क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारा गुस्सा और खेलकूद मैच नहीं होते। मैं गुस्सा करता हूँ? तेरी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई बदमाश? आज तो दुनिया खत्म होकर रहेगी। थिंग? द थिंग हल्क से लड़ रहा था। लगता है हालात काफी खराब है। मुझे मत मार पतीले दोनों, मेरे सर पर चोट लगी और शायद मुझे गुस्सा भी होता है। गुस्सा, मेरा गुस्सा देखना चाहोगे? बस हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है बहन। हल्क अपनी याददाश्त खो चुका है। तो अभी मुक्का मार कर इसकी याददाश्त वापस लाता हूँ। ये कह रहा है कि दुनिया खतरे में है, हमें जानना है कि यहाँ क्या हुआ था। ठीक है, हर हफ्ते की तरह मैं और हल्क बॉलिंग का एक बढ़िया सा गेम खेलने वाले थे। तुम दोनों क्या साथ में बॉलिंग करते हो? आप नहीं, इस जगह की हालत देखी है तुमने? जानते भी हो कि 47 साइज के बॉलिंग शूज ढूंढना कितना मुश्किल होता है। यैंकी स्ट्रीट लेन पर हम ये कर पाते थे। वैसे ज्यादा अजीब क्या है, हल्क बॉल करता है या वो जूते पहनता है? तो हम दोनों मजे कर रहे थे, ठीक है? फिर हल्क ने मुझ पर चीटिंग करने का इल्जाम लगाया। मैं बता दूं कि मैंने कभी लाइन के बाहर पैर रखा ही नहीं। हम दोनों ने एक दूसरे को सताया, मुक्के बरसाए, एक दूसरे को मारा, वही जो हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं। और फिर इन महाशय ने एक गैस लाइन तोड़ दी और उसे तोड़ने के लिए माफी भी नहीं मांगी। हिम्मत को पहले बर्बाद किया और फिर चलता बना। अब मैं हर बुधवार की रात क्या करूँगा? दुनिया का अंत गया था। तो फिर तुमने हल्क को मारा और उसके चेहरे के घाव की वजह वही है? काश, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। आग लगने से पहले ही वो जाल के सर वाला पजामा दोस्त के साथ निकल गया। जाल के सर वाला दोस्त कौन है? हॉट डॉग, गर्मा गर्म हॉट डॉग खाइए। एक्स्ट्रा टॉपिंग के लिए कोई चार्ज नहीं। The Avengers, yes! लगता है दुनिया का अंत आ ही गया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। डूड, मुझे अपने स्पैनिश फाइनल के लिए पढ़ाई करनी है, मतलब शील्ड की पढ़ाई, और यहाँ तुम सब संभाल सकते हो, तो मेरी क्या जरूरत है? लेकिन क्या संभालना है? हल्क का लंच और क्या? Excuse me. उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? मुझे अभी अभी अपना पॉकेट मनी यानी शील्ड से सैलरी मिली थी और मैंने यांसी स्ट्रीट पर कुछ शोर शराबा सुना। मुझे पता चला कि मेरा हरा दोस्त मुश्किल में है, तो मैंने उसे डिटेल्स पूछे। वो काफी गुस्से में था, चीटिंग के बारे में कुछ कह रहा था, तो मैंने कहा कि चलो हॉट डॉग्स खाते खाते बात करते हैं। और हाँ, जब हल्क को गुस्सा आता है तो वो मीट खाता है। वाह, क्या स्टाइल है। स्पाइडी प्लीज। और क्या, उसने मिड टाउन का एक एक हॉट डॉग हजम कर लिया और बिना पैसे दिए ही चलता बना, और मैं उसका दोस्त होने के नाते उसके पैसे चुका रहा हूँ, जबकि मुझे इस वक्त स्पेनिश की पढ़ाई करनी चाहिए। जॉन के सर वाला मजेदार है। बस इतना ही, कोई युद्ध नहीं, दुनिया के अंत वाला कोई मुकाबला नहीं हुआ। नहीं, उस वक्त बस हॉट डॉग्स और रेनबोज थे। अच्छा, वो देखो, जब तुम यहाँ आए थे तो वो रेनबो देखा था क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। पिछली बार भी वो यही कहके निकल गया था, और हॉट डॉग्स बेचो। पीछा करो उसका। पीछा करो? फिर हॉट डॉग्स का क्या होगा? तुम लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो?